हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं हाजिर हुई हूँ आप लोग के लिए फिर एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ, फिर एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हुई हूँ, और जो वीडियो का नाम है वो है क्या है जी? वीडियो का नाम है, नहीं ऐसे नहीं बताऊंगी, वीडियो है हेयर से रिलेटेड। तो वीडियो है हेयर से रिलेटेड। हेयर से रिलेटेड ऐसे कि मतलब आप देखते हैं ना, मेरे हेयर सिल्की सिल्की नज़र आते हैं और इनका टेक्सचर अच्छा लगता है और ये देखने में प्यारे लग रहे होते हैं, देखा है ना आपने? तो जी हाँ, इसका जो राज है ना, जो थोड़ा सा राज है कि मैं कैसे इन हेयर्स को प्रिपेयर करती हूँ, किस तरीके से इन हेयर्स को मैं अच्छा रखती हूँ और क्या क्या यूज़ करती हूँ इन हेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए, तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी, ठीक है? बहुत बहुत सी गर्ल्स होती हैं, परेशान होती हैं कि हम हेयर्स के लिए क्या क्या यूज़ करें कि हमारे हेयर्स अच्छे हों, सिल्की हों, स्मूथ हो, और क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, क्या लेना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटनर लेनी चाहिए, कौन सा सीरम लेना चाहिए, कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए, कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए। इन सब के लिए जो गर्ल्स हैं ना, बहुत परेशान होती हैं, कहती हैं कि हम ये यूज़ करें तो हमारे हेयर्स ऐसे हो जाएँ, हम ये यूज़ करें तो हमारे हेयर्स ऐसे हो जाएँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसका सॉल्यूशन आज मैं आप लोगों के पास लाई हूँ कि आप लोगों को बस थोड़े से पैसे खर्च करने हैं और एक अच्छी सी चीज़ बाय कर लेनी, और वो क्या चीज़ है ये भी आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर वो चीज़ है क्या। मैं आप लोगों के साथ नई नई चीज़ें प्रमोट करती रहती हूँ, कभी सिरम, कभी मास्क, कभी क्या कभी क्या। आज भी एक नई चीज़ प्रमोट करने के लिए आई हूँ, और वो है हेयर्स के ऊपर, हेयर्स के लिए प्रमोट करने आई हूँ। मीन्स कि आप अपने हेयर्स को किस तरीके से हेल्दी, सिल्की और प्यारा प्यारा शो कर सकते हैं लोगों के सामने, किसी भी वेडिंग में जाएं, किसी भी इवेंट, किसी भी बर्थडे में आप जाएं, तो आपके हेयर्स लचकदार लगें कि वाओ क्या वॉल्यूम है, क्या लचक आ रही है, क्या मज़ा है हेयर्स में। तो जी हाँ, तो मैं आज बात कर रही हूँ रेमिंगटन की आयरन मशीन की, रेमिंगटन की आयरन मशीन जो कि है बहुत ही अच्छी। मैंने इसको बहुत यूज़ किया है, वैसे तो बहुत सारी आयरन मशीन होती हैं, बहुत सी हैं, टोनियन का है, फिलिप्स है, बहुत सारी कंपनीज हैं, बट मुझे जो बेस्ट लगती है ना वो है रेमिंगटन की आयरन मशीन। मेरे पास आयरन मशीन नहीं थी, मैंने अपनी भाभी की यूज़ की, वो भी रेमिंगटन यूज़ करती थी। उनकी मशीन जो है ओरिजिनल थी और वो 7 ईयर्स तक चली। ओरिजिनल मशीन लेनी चाहिए, आप लोग भी अगर बाय करें तो ओरिजिनल रेमिंगटन लीजिएगा। कॉपी भी आती है इसमें, कॉपी भी होती हैं बट वो ख़राब जल्दी हो जाती हैं। जो कॉपी नहीं होती ना, वो ख़राब इतनी जल्दी भी नहीं होती और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती है। तो आप लोगों को ओरिजिनल रेमिंगटन लेनी है। जब आप बाय करने जाएंगे ना, तो आप ओरिजिनल रेमिंगटन लीजिएगा, फेक वाली नहीं, ठीक है? मतलब कॉपी नहीं, जैसे हम सूट में रेप्लिका का सूट लेते हैं तो वो नहीं लेनी है आपको, आपको रेप्लिका नहीं लेना, ठीक है? आपको ओरिजिनल रेमिंगटन की मशीन लेनी है। तो चलिए आइए, मैं आपको मिलवाती हूँ मेरी रेमिंगटन हेयर मशीन से। स्ट्रेटनर जो मेरे पास है, और मैंने ये रेमिंगटन का लिया है। मैंने ये बिल्कुल ओरिजिनल पैकिंग में बाय किया है, मतलब ये बिल्कुल ओरिजिनल है। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर ये बुक है, इसके अंदर सारे इंस्ट्रक्शंस, इसका इसका ये पाउच भी दिया हुआ है, ये रेमिंगटन का पाउच है, और इसके अंदर मैं अपनी आयरन मशीन डाल सकती हूँ, ठीक है? और ये रेमिंगटन की ये भी बुक है, और बुक में सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, मैं भी आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये देखें, इसमें एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है इंग्लिश में, ठीक है? और डायरेक्शंस भी लिखे हुए हैं वहाँ पे, पिक्चर बनी हुई है, आपने देखा आयरन मशीन की, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। पढ़ने जाएं तो बहुत कुछ है, लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं भी पढ़ते, अवॉइड करते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? ये थी इसकी पैकेजिंग। अब मैंने इसको खोला और मैंने अंदर से आयरन मशीन निकाली। देखें इसका जो लुक है ना, वो ऐसा है। ये जो है ना, ये है डिग्री, मतलब आप 150 डिग्री रख सकते हैं, 230 रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, इट्स योर चॉइस। और ये ऑन ऑफ का बटन है, ये अभी ऑफ है, मैं इसको स्विच ऑन करके आपको दिखाती हूँ कि स्विच ऑन ऐसे होता है। देखें, ये कर लिया मैंने ऑन, ये इस साइड से स्विच ऑन होता है, ठीक है? और इस मशीन का जो जो प्लेट्स है ना, वो भी देखें इतनी अच्छी बनी हुई है कि इनसे आपके हेयर्स डैमेज नहीं होते। आप सोचेंगे मेरे हेयर्स डैमेज हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसकी तार भी इतनी लॉन्ग लास्टिंग दी हुई है। अब मैंने इसको प्लग आउट कर लिया है, और इसमें लॉक भी है, ये लॉक होता है। ये देखें, ये जो जॉइंट हुई हुई है ना आयरन मशीन, ये इसका लॉक दिया हुआ है,
यहाँ पे इसका लॉक है जी, यहाँ पे इसका लॉक है। अब मैं इसको खोलने जा रही हूँ। तो जी मैंने अब इसका लॉक खोल लिया है और आपके पास ये आयरन मशीन खुल चुकी है। अब मैं इसका बटन ऑन करूँगी क्योंकि मैंने स्विच पे लगा दिया है। ठीक है, अब मैं इसको ऑन करूँगी ताकि ये गर्म हो जाए और फिर मैं आप लोग को आयरन करके दिखा सकूँ अपने हेयर्स कि क्या रिज़ल्ट है इसका। देखिए मैंने स्विच ऑन किया तो ये ब्लू लाइट चली। ठीक है, और जो मैंने इसका डिग्री रखा हुआ है वो 230 से थोड़ा सा कम है, बिकॉज कभी बाल जल ना जाए या ये स्टार्टिंग में ज़्यादा गर्म ना हो जाए। देखिए मेरी आयरन मशीन गर्म हो चुकी है और अब मैं आप लोगों को लगा के दिखा रही हूँ। इस तरीके से आप लोग को आयरन मशीन को लेके आना है और अपने हेयर्स पे लगाना। देखें एक ही स्वेच में कितनी अच्छी हो गई, मतलब एक ही बार में इतनी माशाल्लाह इसकी हीटिंग पावर इतनी है कि एक ही बार में इतनी अच्छी हो गई। अब मैं सोच रही हूँ कि आपको कर्ल्स करके दिखाती हूँ, इससे कर्ल्स भी होते हैं। आप पहले मेरा आयरन देख लें कि ये आयरन कैसी हो रही है। देखें वाओ क्या रिज़ल्ट है, देखें शाइनिंग भी आ रही है, शाइनिंग भी आ रही है हेयर्स में और जल्दी जल्दी मेरे हेयर स्ट्रेट हो रहे हैं। मतलब टाइम नहीं लग रहा हेयर स्ट्रेट करने में, ऐसी मशीन्स होती हैं इतना टाइम लग जाता है और हेयर स्ट्रेट जल्दी नहीं होते, बट इसकी हीटिंग पावर कमाल की है। अब मैं आपको एक कर्ल्स करके दिखाती हूँ अपने हेयर्स में कि इस मशीन से कर्ल भी हो जाता है ईज़िली हो जाता है। देखें ये कर्ल्स हो रहे हैं, ये देखें मैंने एक कर्ल कर लिया अपने हेयर्स में। मैं आपको करीब करके दिखाती हूँ कि कैसा कर्ल किया है। अब मैं सोच रही हूँ एक और हेयर को लेके कर्ल करूँ। देखें मैं आपको करीब से शो कर रही हूँ, ये रहा मेरा कर्ल, कितना स्मूथ और कितना अच्छा हुआ है ना, सिर्फ एक बार में ही हो गया। देखें अब मैं आपको दूसरे हेयर्स पे भी कर्ल करके दिखाती हूँ। मतलब ये 2-in-1 आयरन है, इससे स्ट्रेट भी हो जाता है और कर्ल भी। देखिए कितना स्मूथ है, देखिए बाउंस वाला कर्ल हो गया। आजकल तो ऐसे ही कर्ल्स चलते हैं बाउंस वाले, सबको ऐसे ही कर्ल्स पसंद आते हैं। देखिए कितना इजीली बाउंस हो रहा है और इतने इजी तरीके से मैंने कर्ल करके आपको एक ही बार में दिखा दिया। बहुत इजी है, बहुत इजी, और ये बहुत ज़बरदस्त आयरन मशीन है। मैं तो इसको लेके बहुत सेटिस्फाइड हूँ। देखें इसको कर्ल ऐसे करना है, आपको एक बार आयरन मशीन के अंदर अपने हेयर्स डाल के इसको थोड़ा बैक करना है और इस तरीके से कर्ल करना है। देखें वाओ अमेजिंग अमेजिंग रिज़ल्ट, आई गॉट इट, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मेरे पास आया और मुझे बहुत अच्छा लगा ये रिज़ल्ट, कमाल है कमाल। तो जी ये है मेरी आयरन मशीन जो कि बहुत बहुत बेस्ट है और मैं इसको लेके बहुत सेटिस्फाइड हूँ और ये 7 to 8 ईयर्स आराम से चल सकती है। ख़राब हो तो आप बनवा सकते हैं, यह बन भी जाएगी, इसकी गारंटी भी है, 3 ईयर्स की वारंटी है इसकी, 2 ईयर्स की है, 3 ईयर्स की है। ये देखें उस साइड पर मैंने सिल्क किए हैं, इस साइड पर मेरे कर्ल्स हैं, तो सिल्की हेयर्स भी बहुत अच्छे होते हैं।